हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मलाई पनीर की रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आएगी तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तैयारी कर लेते हैं ग्रेवी की। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर हमने रख दिया है एक पैन, इसमें डाल दिया है 1 चम्मच तेल। तेल को थोड़ा गर्म कर लेते हैं। तेल मेरा गर्म हो गया है, अब इसमें लगा देते हैं तड़का। तड़के के लिए हमने लिया 1 छोटा चम्मच जीरा, 4-5 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन। लहसुन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डलता है तो हमने कम ही लिया है। आप नहीं डालना चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं लहसुन। इसको कलर चेंज होने तक थोड़ा फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज। प्याज को हमने मोटा मोटा कट किया है क्योंकि बाद में इसे हमको ग्राइंड करना है, इसका पेस्ट बनाना है। प्याज को भी थोड़ा फ्राई करेंगे और साथ में ही ऐड कर देंगे काजू। काजू आप और थोड़ा ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, हमने थोड़ा कम यूज किया है। और इसी के साथ ऐड कर देंगे कटा हुआ टमाटर। सबको अच्छी तरह से पका लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ प्याज को फ्राई करके बाकी टमाटर और अदरक हरी मिर्च सब बाद में प्याज के साथ ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन हमने सबको एक साथ ही फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्च क्योंकि स्टार्टिंग में हरी मिर्च डालना मैं भूल गई थी। तो वह चला के देख लेते हैं। तो देखिए टमाटर और प्याज सब मेरे सॉफ्ट हो चुके हैं, पक चुके हैं। बस हमें इतना ही पकाना है इसे। अब इसे गैस बंद कर लेते हैं और ठंडा करके इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पे रख दिया कढ़ाई, गर्म हो गई है मेरा। इसमें डाल दी है 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच बटर। आप चाहें तो सिर्फ सरसों तेल में बना सकते हैं या फिर सिर्फ घी में, या तेल और बटर जैसे मैं बना रही हूँ वैसे भी बना सकते हैं। तो तेल गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी का डाला है हमने। तेल गैस की फ्लेम एकदम लो रखें। मैं हर वीडियो में आपसे ही बोलती हूँ कि गैस की फ्लेम हमें हमेशा लो रखना है जब भी हम सूखे मसाले डालें, क्योंकि जब लाल मिर्च या हल्दी हमारी जल जाएगी तो मसाले में सब्जियों में कलर एकदम अच्छा नहीं आएगा। इसलिए तेल को बहुत ज़्यादा गर्म ना रखें, या तो फिर गैस को थोड़ा देर के लिए ऑफ करके फिर मसाले डालें। तो इसमें हम ऐड कर दिए हैं जो हमने पेस्ट बना के रखा था प्याज और टमाटर का। इसको ढक ढक के फ्राई करेंगे क्योंकि बहुत उछलता है जब गर्म होता है, छींटे पड़ सकते हैं हमारे ऊपर, इसलिए हम इसको ढक के फ्राई करेंगे। उसको हमने फ्राई कर लिया। इसमें अब हम ऐड कर देते हैं कुछ और मसाले। तो यहाँ पे हमने डाला है 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं इसीलिए हमने कम ही मसाला यूज किया है। और यहाँ पे ऐड कर दिया है स्वाद अनुसार नमक। और मसालों को फिर एक बार अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, जिसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था, रोस्ट करके उसको क्रश कर लिया था। इससे सब्जियों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप इसको चाहें तो डालें, नहीं तो आप नहीं डालें, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। और इसकी मेन इंग्रेडिएंट्स जो है क्रीम, इसको हम अभी ऐड कर देते हैं। क्रीम हमने 1 छोटी कटोरी लिया हुआ है, ये बाजार का अमूल फ्रेश क्रीम है। आप चाहें तो घर की मलाई को भी फेंट कर इसमें डाल सकते हैं। मसाले मेरे फ्राई हो गए हैं, पक चुके हैं। इसमें हम ऐड कर देते हैं पनीर। पनीर को हमने बहुत हल्का सा फ्राई किया है, सिर्फ कलर चेंज हुआ है। आप चाहें तो आप ऐसे ही पनीर ऐड इसमें डाल सकते हैं, कट करके। फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सब्जी मेरी रेडी हो गई है। इसको थोड़ा सा 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है सब्जी में मेरे। सब्जी मेरा बनके रेडी हो गया है। उसके बाद चला के देख लेते हैं। और इसमें अब कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो देखिए सब्जी मेरी बन चुकी है। इसे थोड़ा सा हम डेकोरेट कर लेते हैं। तो इसमें सब्जी निकालनी है, ऊपर से हमने 1 चम्मच और क्रीम डाल दिया है, थोड़ा डेकोरेट कर दिया है। बस सब्जी बनके मेरी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।